जैसे, जैसे हम बारे में पूछते रहे तो आज हम बड़ी अच्छी सी एक बनाने जा रहे हैं, और होपफुली आपको के में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी और इतना सिंपल तरीके से मैं सारे टेंसिस को इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ इनशाला उम्मीद तो यही है कि आपकी बहुत अच्छे से की तैयारी हो जाएगी और आपको कभी भी अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ओके okay. uh, अब instance, बात करती हूँ बोलता है ठीक है वो बोलता है ही स्पीक्स ठीक है वो बोलता है ही स्पीक्स हमेशा याद रखें आप जो कर रहे हैं वो बेसिकली चार चीजों पे किया कीजिए Uh, जैसे ही जो है वो डज लेता है हीता आपने मेरी स्पोकन इंग्लिश का जो लेसन वन है उसकी रिकॉर्डिंग आपने देखी होगी डे दे वन की उसको अगर नहीं देखा है तो आप लोग एक दफा फिर देख ले आपको काफी हद तक उसमें आइडिया हो जाएगा ही शी इट जो है वो डज लेता है बाकी सब कुछ डू लेता है सो ऑन एंड सो फॉर्ट ये तो सब हमें पता ही है ठीक है तो वो बोलता है ही स्पीक्स बोलता है ही स्पीक्स नहीं बोलता ही डज नॉट स्पीक क्या वो बोलता है डज ही स्पीक क्या वो नहीं बोलता डजेंट ही स्पीक ठीक है अच्छा वो बोलता है ही स्पीक्स वो बोला था था इस पास तो था में आप स्पीक तो नहीं लगेगा ना स्पोक लगेगा ही स्पोक वो बोलेगा ही वुड स्पीक अब आप कह रहे होंगे कि विल क्यों नहीं यूज करें क्यों क्योंकि अभी मॉडर्न इंग्लिश में तो ऐसा ऐसा ऑप्सिलीट करते जा रहे हैं जैसे शाल को खत्म करके शुट की तरफ चले गए विल को खत्म करके वो वोट की तरफ चले गए राइट तो हम ज्यादा अब हमारे लिए भी कन्वीनियंट रहता है इट साउंड गुड सेकेंडली कि नेक्स्ट में आपको सोचना नहीं पड़ेगा ओके इट बिकम्स रियली कहांट जब आप बोलने पे आते हो ना तो आप ज्यादा स्विफ्टली बोल सकते हो तो शुरू में ही आदत उस चीज पर बना लो जो आपके लिए कल को आसान हो ओके okay. वापस हम इस पॉइंट पे आते हैं वो बोलता है ही स्पीक्स वो बोला था ही स्पोक वो बोलेगा बोलेगा ही वुड स्पीक ही ओके। तो वो नहीं बोलेगा जहां गा है आपने वुड मस्ट लगाना है नहीं बोलेगा ही वुडेंट स्पीक क्या वो बोलेगा वुड ही स्पीक क्या वो नहीं बोलेगा गा, गा लगेगा ना वो डेंट ही स्पीक उसने बोला था ही स्पोक नहीं बोला था नहीं था अंग्रेजी में जब आएगा नहीं था आप डिड लगाएंगे क्योंकि नहीं था डिड एक ऐसा वर्ड है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है ही डिड नॉट स्पीक क्या वो बोला था डिड ही स्पीक क्या वो नहीं बोला था डिड एंड स्पीक तो जहां था लग रहा है आप डिड लगा रहे हैं सिर्फ

डज बिल्कुल सही है लेकिन डजेंट बोलेंगे क्योंकि इनफॉर्मल में स्टार्ट में नेगेटिविटी नेगेटिव चीज इनफॉर्मल में होती है तो बेहतर होगा आप doesn't कर लो, आपकी जबान ज्यादा खुल जाएगी इससे ओके वो बोल रहा है कंटिन्यूअस रहा है कंटिन्यूअस इज स्पीकिंग और हमें पता है, he, he, it is लेता है बाकी दे यू वी सब कुछ आर ले रहा होता है इतना तो सबको पता है ओके okay. बोल रहा रहा कांस्टेंट एक्टिविटी ही इज स्पीकिंग नहीं बोल रहा ही इज नॉट स्पीकिंग क्या वो बोल रहा इज ही स्पीकिंग क्या वो नहीं बोल रहा इजंट ही स्पीकिंग वो बोल रहा था रहा भी है रहा, तो इन तो लगेगा ही लगेगा पर था है तो इज नहीं लग सकता वाज लगेगा बोल रहा इन था वॉज बोल रहा था वॉज स्पीकिंग नहीं बोल रहा था वॉज नॉट स्पीकिंग क्या वो बोल रहा था वॉज ही था वॉजेंट ही स्पीकिंग बोल रहा होगा होगा में वुड मस्ट है और रहा है रहा में इंग लगेगा अब वुड एक ऐसा वर्ड है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है वुड के साथ स्पीक हो सकता है स्पीकिंग नहीं हो सकता ही वुड स्पीकिंग नहीं होगा कोई अंग्रेजी में लफ्ज ही नहीं ऐसा तो आपने अगर इंग लगाना है क्योंकि रहा आप शो करना चलो इंग लगाना है तो बी लगा दो बोल रहा होगा ई वुड बी होगा ई वुड बी स्पीकिंग रहा भी तो करना है ना ओके okay. बोल रहा है ही इज स्पीकिंग बोल रहा था ही वॉज स्पीकिंग बोल रहा होगा ही वुड बी स्पीकिंग उसने बोल दिया है उसने बोल दिया है यानी वो बोल चुका है आपको लग रहा है ना जिम्मेदारी जैसी चीज हो गई है उसने कर लिया है उसने सो लिया है उसने कहा लिया है उसने बोल दिया है लग रहा है एक जिम्मेदारी वाली चीज हो गई है उसने, बोला था, he spoke, उसने बोल दिया है he has और मोटा सा अंग्रेजी में जैसे ही हैल्स लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे लगाओगे has, have, had, अंग्रेजी में जब इस्तेमाल होता है हाजिर थर्ड फॉर्म लगती है okay. उसने बोल दिया है बोल बोल दिया था, he had spoken. बोल दिया था होगा होगा में वुड लगेगा वुड है he has spoken. बोल दिया था था हो जाएगा has की जगह जो है होगा वुड हैव स्पोकन ओके okay. तो नोटिस करें कि एक सेकेंड वो बोलता है वो बोल रहा है उसने बोल दिया है वो बोलता है उसकी रूटीन है वो बोलता है रूटीन है आदत है वो भी है ओके okay. वो बोल रहा है इस वक्त बोल रहा है कॉन्स्टेंट ही स्पीकिंग उसने बोल दिया है he has spoken. ओके okay. अब आ जाए वो बोल रहा है और वो बोलता रहा है अब अंग्रेजी में बहुत फर्क पड़ता है बोल रहा है तो इस वक्त इस वक्त बोल रहा है बोलता रहा है मतलब बार बार बोलता रहा है अब अगर मैं कहूँ वो सो रहा है और मैं कहूँ सोता रहा आप एक से गुजारा नहीं चला सकते सो रहा ही स्लीपिंग सोता रहा है बात तो डिफरेंट हो गई ना तो यहाँ पे नोटिस करें वो बोल रहा है और एक है बोलता रहा है तो यहाँ पे इससे गुजारा नहीं चलाएंगे अगर मैं कहूं वो पे कर रहा है paying, वो पे करता रहा है, इसका मतलब तो वो बार बार पे करता रहा है अभी तो गुजारा नहीं चलेगा क्या लगेगा बोलता रहा है रहा था, बोलता रहा था ही हैड बीन स्पीकिंग बोलता रहा होगा बुढ़ाव बीन स्पीकिंग सिंपल यहाँ पर आके आपके सारे टेंसेस कंप्लीट नाम मैं बाद में लेती हूँ पहले आप इस बात को समझ वो बोलता है है वो बोलता है वो खाता है वो जाता है वो सुता है वो पे करता है है तो आप यहाँ पे ये यूज कर रहे हो राइट ही ईट्स ठीक है वो बोलता है वो खाता है वो सोता है ओके लेकिन अगर मैं कहूं वो सोया था he spoke सोएगा सॉरी वो सोया था he slept वो सोएगा he would sleep सिंपल वो पे करता ही पेस उसने पे किया था he paid करेगा ही would pay खाता है ही eats उसने खाया था he ate खाएगा he would eat अच्छा

वुड कभी हाज नहीं ले सकता हमेशा लेता है बस सीधी सारी बात ओके okay. वो खा रहा है ही इज ईटिंग वो खाता रहा है बीन ओके okay. वो पे कर रहा है ही पेंग वो पे करता रहा है बीन पेंग वो सो रहा है स्लीपिंग सो वो सोता रहा है हाज बीन स्लीपिंग वो सोता रहा है He has been sleeping. सोता रहा था तो हैज की जगह क्या बन जाएगा Had. He had been sleeping. सोता रहा होगा मुझे पता है सोता रहा होगा तो वुड हैव बीन गाय है वुड लगेगा वुड हैव बीन स्लीपिंग वो पे करता रहा है He has been paying. करता रहा था He had been paying. करता रहा होगा वुड हैव बीन पेंग खाता रहा है यहाँ बी नीटिंग खाता रहा था यहाँ बी नीटिंग खाता रहा होगा बुरा बी नीटिंग सिंपल तो अगर आपको इसकी लॉजिक समझ आ जाती है आपको टेंसेस पे तभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी दिस इज स्टेप वन सिंपल तरीका हम टेंसेस को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं आपने इसको अच्छा सा समझ लेना है बस इनशाला आपको ऐसे लगेगा कि बस एक चीज आपको रेडीमेड मिल गई आपको किसी और कंफ्यूजन में हाँ ये याद रखे ही शी इट हैज लेता है दे यू वगैरह ये सब कुछ हैव लेता है में तो कोई कंफ्यूजन होती ही नहीं वो तो हर चीज के साथ had, 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 had लग रहा होता है हमने एक दो चीजें सीखी है डेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वुड हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंग लगाना है तो वुड बी इंग लगेगा आगे वर्ड के साथ

ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತ